দেশের রেল স্টেশনগুলিকে ঢেলে সাজাতে সোমবারই অমৃত ভারত প্রকল্পে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের অধীনে থাকা স্টেশনগুলির উন্নয়নের কাজের শিলান্যাস করেন নরেন্দ্র মোদী। দক্ষিণ পূর্ব রেলের 46টি স্টেশন এবং 108টি রোড ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। 2000-এরও বেশি পরিকাঠামো প্রকল্পকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 41,000 কোটি টাকা। আর এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিয়ে এক নতুন আশার আলো দেখালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। প্রধানমন্ত্রীকে প্রকল্পগুলির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় রেল খুব শীঘ্রই বন্দে ভারত ট্রেন অন্য দেশে বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানি শুরু করবে। আপ সবি কা বিশ্ব কে সবসে বড়ে স্টেশন রিডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম মে আজ হার্দিক স্বাগত হ্যা। একসাথ 1300 স্টেশন কা রিডেভেলপমেন্ট विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी, आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है, यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानी RUB धीमी गति से बनते थे, वर्ष में मात्र 415 की औसत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमीटर से अधिक बन गया है। कश्मीर में धारा 370 हटने से काम में तेजी आई। चिनाब और अंजी के पुल बनकर तैयार हुए। 97 किलोमीटर टनल बनी। आज बारामूला से श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संभव हो गई है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क पर ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है। 2019 15 ফেব্রুয়ারি দিল্লী ও বারাণসীর মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তারপর দেশ জোড়া রেল ট্র্যাকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে অনেক ট্রেনের চাকা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পাশাপাশি আসছে বন্দে ভারত স্লিপার ও মেট্রো। এবার সেই সেমি সুপারফাস্ট বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে অন্য দেশে বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানির কথা ভাবছে রেল মন্ত্রক। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।